Hello everyone, I welcome you back to our channel Path to Pinnacle. Dear students, aaj hum log volume 1 that is part 1 of NCERT se chapter number 3 uthayenge NCERT ka, that is current electricity. Is current electricity mein hum log aapko wahi sab cheeze ek bari revise karenge jisme students ko mostly doubts aata hai, jo ki hamara paper is time jo aane wala hai wo objective zyada aayega, जिसमें हमको लगता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट ज़्यादा पूछा जाएगा, तो छोटी छोटी चीज़ों को भी हम लोग अब इग्नोर नहीं कर सकते इफ वी हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स एग्जाम. तो लेट्स स्टार्ट विद दी टुडे सेशन. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे हमें पता है, तो हमें करंट के बारे में पढ़ना है, करंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर उनके रेजिस्टेंस का वेरिएशन पढ़ना है, फिर उनके ऊपर ग्राफ वगैरह देखने हैं, करंट डेंसिटी के बारे में बात करनी है, तो उसी के बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. तो हमारा पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट. करंट बेसिकली है क्या, तो हम लोग कहते हैं फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम करंट होता है. अब करंट पे जो यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि हमें करंट का फॉर्मूला पता है डीक्यू बाई डीटी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आता है कि इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट, और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होता है. हालांकि ये 11th का पार्ट है, बट स्टिल इंस्टेंटेनियस के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि आपके पास मान लो एक इक्वेशन दे दी कि Q इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5, और हमसे बोला कैलकुलेट द करंट एट t इक्वल टू 5, एट t इक्वल टू 5 यानी उस पर्टिकुलर टाइम पर, जब वो टाइम 5 सेकंड हो गया होगा तब हमें करंट निकालना. तो उसके लिए हमें निकालना होता है इंस्टेंटेनियस, दैट इज इंस्टेंटेनियस किसी भी एक इंस्टेंट के लिए. पूछा गया कि फाइंड द एवरेज करंट, कि करंट स्टार्ट्स फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम है ना, तो उसके लिए हमें जो यूज करना होगा वो आई एवरेज. तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, डीक्यू बाई डी टी, यानी अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देता हूं और t की वैल्यू जो भी पूछा जाएगा हमसे, लेट से 5 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड, अपन उसको t की वैल्यू को पुट करेंगे, व्हाट विल गेट, i इंस्टेंटेनियस. लेकिन अगर हमें एक इंटरवल के बारे में पूछा गया कि t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5, तो व्हाट विल हैव टू डू, हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, हम इसको लिखते हैं डेल्टा q बाय डेल्टा t. तो q इनिशियल कितना था, तो q इनिशियल के लिए t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, q फाइनल कितने हैं, q फाइनल के लिए t की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो डेल्टा q इज नथिंग बट चार्ज डिफरेंस, q फाइनल माइनस q इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल 5 माइनस 0, दिस विल कम्स आउट योर i एवरेज. तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. i इंस्टेंटेनियस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी टाइम पूछा गया है उसको पुट करेंगे, विल गेट द वैल्यू इन एम्पियर. अगर i एवरेज पूछा जाता है तो डेल्टा q हमें देखना है कि वो इंटरवल कितना इंटरवल है, और एक फाइनाइट इंटरवल होना चाहिए. अगर वेरी स्मॉल फाइनाइट इनफाइनाइट डेसिमल होगा तो अपन t इक्वल आई इंस्टेंटेनियस के साथ जाएंगे, और एक अच्छा खासा फाइनाइट इंटरवल होगा तो हम लोग आई एवरेज के साथ जाने वाले हैं. तो अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हमें पता है करंट क्या मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट की डायरेक्शन भी होती है, बट स्टिल करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती. तो करंट इज अ स्केलर और यू कैन से टेंसर क्वांटिटी है ना, तो स्केलर क्वांटिटी है करंट. तो डायरेक्शन आए, मैग्नीट्यूड भी है, स्टिल इट डज नॉट ऑबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम लोगों को पता था जब हम लोगों ने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया तो विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद जो इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास चार्ज पार्टिकल थे वो रेंडम मोशन में मूव कर रहे थे थर्मल वेलोसिटी के साथ, और जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो 10^4 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि वेरी लार्ज वेलोसिटी होती है. बट जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लगा देते हैं, लेट्स से दिस इज आवर कंडक्टर, और हम लोगों ने यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया था, पोटेंशियल डिफरेंस सेट करते इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगाएगी इन दी अपोजिट डायरेक्शन. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर ड्रिफ्ट करते हुए निकल जाते हैं, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी हमारे पास ee टाउ बाय n. नाउ दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स कि जो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इट इज वेरी वेरी लेस को 1 मिलीमीटर पर सेकेंड.
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सेलरेटेड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो आंसर होता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ई टाउ बाय टाउ अगेन अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, बट अगर हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख दें तो कोई भी वेरिएशन हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं हो रहा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फिर ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड होती है और जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो 10^4 मीटर पर सेकंड होती है, विच इज मोर इफेक्टिव. तो एज वी नो जब हम लोगों ने थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उनमें इनिशियली रैंडम मोशन होता है ना बेटा, इधर जा रहा इधर जा रहा इधर जाता इधर जाता. तो हम लोगों ने यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में देखे थे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की डायरेक्शन में जाते उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट की डायरेक्शन में आ रहे थे, तो एवरेज था उनका 0 था. तो थर्मल वेलोसिटी कभी भी करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं करती, करंट में कौन कंट्रीब्यूशन करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सभी के सभी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे एक ही डायरेक्शन में, चाहे वेलोसिटी कम हो बट स्टिल जो करंट में कंट्रीब्यूशन करता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही करता है. तो विच वन इज मोर इफेक्टिव, थर्मल और ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मोर इफेक्टिव बिकॉज मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और दे ओनली कॉन्ट्रीब्यूट इन द फ्लो ऑफ करंट. फिर हमारे पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी आ जाता है हमारे पास. नाउ व्हाट इज दिस? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज नथिंग बट आपके पास लैम्डा बाय टाउ. लैम्डा इज मीन फ्री पाथ. जब हम लोगों को पता था कि एक कोलिजन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा यहां से यहां तक चला, तो जब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ना दैट इज लैम्डा. तो कई बार हमें लैम्डा भी गिवन होता है, हमें टाउ भी गिवन होता है, हमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो दिस इज द ओनली फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हो गए. नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी? वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लेती है 1-2 मार्क्स में कि रिलेशन डिराइव करो. तो रिलेशन को याद करने का तरीका हम लोगों ने बनाया है आई इक्वल टू वीना वीना वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी E and A. ये रिलेशन आपको याद करना है बीना, फिर इसके मैग्नेटिक इफेक्ट में इसकी बहन आती है बीना, अभी वो भी बताएंगे हम लोग, बट अभी ये रिलेशन याद रखना कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज आई इक्वल टू वीना. ना कई बार वो आई इक्वल टू वीना ना पूछ के हमसे पूछता है कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन जे जे दैट इज करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यस, जे का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? जे इज नथिंग बट करंट पर यूनिट एरिया. ठीक है ना, तो अगर मैं जे को इधर लेके आ जाऊं, या यू कैन से इस ए को जो वीना में ए है ए को इधर लेके आ जाऊं, आई से नहीं डिवाइड कर दूं, तो दिस विल बिकम आई बाय ए एंड नाउ आई बाय ए इज नथिंग बट जे. ई एंड ए एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर एंड दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी. वी डी इज व्हाट? ड्रिफ्ट वेलोसिटी. आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आया होगा कि इंस्टेंटेनियस करंट एवरेज करंट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोइंग ऑफ यू कैन सी कंट्रीब्यूशन ऑफ करंट कैरियर्स, रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी, फिर जे करंट डेंसिटी होती है. नाउ वेरिएशन ऑफ आर, आर इज व्हाट? आर इज रेजिस्टेंस. इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि एक अगर हम भी बात करते हैं कि हमारे किसी भी एक पॉइंट से लेट्स से ए पॉइंट से यहां तक जाने के लिए हमारे पास देयर आर टू वेज. ठीक है ना, एक बहुत कंजेस्टेड सी गली और एक बहुत अच्छी खासी वाइड गली है, लेट्स से एक हाईवे और एक आपकी लोकल रोड है. तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप इसको प्रेफर करना चाहेंगे, बेशक ये थोड़ा लंबा हो, इट विल टेक बेशक इसका किलो ये डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस ये लेट्स से 1 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर, बट फिर भी हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग इसको जाएं. क्यों? क्योंकि रश कम होगा. रश बोले तो अपोजिशन, अपोजिशन बोले तो हमें बार बार ब्रेक में ही लगाने पड़ेंगे. हम जिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेंगे समा उसी स्पीड से हम कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, और माइट बी पॉसिबल जितनी देर में हम 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करें हम उससे कम समय में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं. तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमें रेजिस्टेंस फ्री यानी अपोजिशन फ्री वाला रास्ता चाहिए. सिमिलरली चार्ज कैरियर्स भी यही फिनोमिना को ऑप्ट करते हैं.
कि उनके रास्ते में भी कोई अपोजिशन ना है, कम से कम अपोजिशन है वो कम से कम अपोजिशन के रास्ते को ही फॉलो करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें कि तो आर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ML by N square tau A, ठीक है ना। और अगर हम इसी के बाद में बात करें तो यही हमारे पास क्या आ जाती थी बेटा, रेजिस्टिविटी रो एल बाय ए। तो अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये मास, लेंथ, एरिया, ई, चार्ज, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। नाउ कम टू दिस एन एंड टाउ। एन इज व्हाट? फ्री चार्ज पीरियड्स पर यूनिट वॉल्यूम। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि एक कोलिजन होने के बाद जब तक दूसरा कोलिजन आए वो उस वाले पर्टिकुलर टाइम में जो भी टाइम लगेगा जब तक वो रिलैक्स है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टाउ एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। यानी जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा मेरा रिलैक्सेशन टाइम, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो जो कोलिजन मान लो पहले 1 सेकेंड में हो रहा था वो अब 0.5 सेकेंड में हो जाए, 1/2 सेकेंड में हो जाए, तो वो जल्दी 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 कोलिजन होना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिलैक्सेशन टाइम कम होता चला जाएगा, वैसे वर्षा। बात करते हैं हम लोग की वेरिएशन ऑफ आर विद टेम्परेचर। अब आर फॉर कंडक्टर देखेंगे, सेमी कंडक्टर देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स देखेंगे। अब कंडक्टर के केस में हमें पता है कि फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत एक्सेस में होते, इट्स अबाउट 10^28, इतना एक्सेस होता है। तो जब भी हम लोग वेरिएशन ऑफ आर विद टेम्परेचर करेंगे तो हमें पता है रेजिस्टेंस में इन्हीं दो चीजों का इफेक्ट पड़ता है, एन एंड टाउ, क्योंकि एम एल ए ई सब कांस्टेंट है ना। तो व्हाट विल गेट नाउ, देखिए कंडक्टर के केस में एन पहले ही बहुत लार्ज है, 10^28 बहुत लार्ज नंबर है। टेम्परेचर बढ़ाने से एन की वैल्यू में फर्क पड़ता है तो इट हार्डली मैटर्स, लेकिन फॉर कंडक्टर्स टाउ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखिए टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ डिक्रीजेस आर इंक्रीजेस। देयरफॉर वी कैन राइट कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपल, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम कम होता चला जाता है, कोलिजन ज्यादा ज्यादा होंगे और जितने नंबर ऑफ कोलिजंस होंगे वो कोलिजंस कुछ नहीं होते, रेजिस्टेंस ही होते बेसिकली ना। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के केस में। जैसे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो भी चुका है और सेमीकंडक्टर हम लोग बात कर भी चुके हैं, तो सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो कोवेलेंट बॉन्ड का रप्चर होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड का रप्चर होता है तो एक्सपोनेंशियली चार्ज कैरियर्स आपको मिलते हैं। तो उस केस में एन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज कंपेरिजन विद द टाउ। तो सेमीकंडक्टर के केस में एन बहुत एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। चलिए तो अगर सेमीकंडक्टर के केस में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एन इंक्रीजेस आर डिक्रीजेस, यानी टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी सेमीकंडक्टर के केस में एन एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का रप्चर होता है, एक्सेस फ्री चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, तो एन की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बहुत बड़ी, रेजिस्टेंस कम हो गया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट्स में बेसिकली क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, जो लिक्विड होता है वो थिन हो जाता है, विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम होने से क्या होगा, भैया चार्ज कैरियर्स इजीली फ्लो करेंगे, चार्ज कैरियर्स इजीली फ्लो करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आई बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट का वो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, क्योंकि वी नो दैट आई इक्वल टू वी बाय आर एंड वी नो दैट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीडी। और वीडी जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम हुई, विस्कोसिटी कम हुई, लिक्विड थिन हुआ तो चार्ज पार्टिकल्स इजीली चलेंगे, चार्ज पार्टिकल्स इजीली चलेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ा तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस आर विल गेट डाउन। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर डिक्रीज होगा। ये कुछ आपको कॉन्सेप्ट है जो हमेशा याद रखने हैं आपको ना, जब भी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएगा कोशिश ऐसी रहेगी कि आपको जो टॉपिक यहाँ पे कराया जा रहा है उससे बाहर कोई भी चीज ना मिले आपको पेपर में। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर भी देख लिया, अब उसमें हम लोगों ने पढ़ी थी रो। रो इज नथिंग बट इट इज नॉट एज योर रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, देखिए
बेसिकली इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. जब तक मटेरियल चेंज नहीं करेंगे ना तो रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है. लेट से मेरे पास ये कोई भी मटेरियल है जिसकी लेंथ एल है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टिविटी रो ले लेते हैं तो रेजिस्टेंस बना रो एल बाय ए. अब कई बार बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मैंने इसके एंड पास कर दिया, हाँ तो कर दो ना, इट हार्डली मैटर्स फॉर अस. रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, करेगा, बट रेजिस्टिविटी में जब तक सेम मटेरियल रहेगा रेजिस्टिविटी में कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला. तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी अनलेस आप मटेरियल ही चेंज ना कर दो. अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें मैंने मेरे पास एक मटेरियल था, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो, सेम एक और मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी रो भी है लेकिन ये भी लेंथ एल थी और ये भी लेंथ एल है. चलिए तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, ट्वाइस हो गया, डन है, परफेक्ट. अब एक होता है स्ट्रेचिंग वाला जो कि लास्ट ईयर पूछा गया है पेपर में. उन्होंने बोला कि एक लेंथ है उसको थ्री टाइम्स फोर टाइम्स मैंने स्ट्रेच कर दिया है. स्ट्रेच करना मतलब उसमें एड ऑन नहीं किया कोई भी, जैसे इसमें तो हम लोगों ने एक मटेरियल एड किया था, उसमें क्या किया, ए वाले मटेरियल को खींच के लंबा कर दिया ना. तो जब खींच के लंबा कर दिया, डबल कर रहे हो, ट्रिपल कर रहे हो, फोर टाइम्स कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना जो आर डैश होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू. एन स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है, यानी अगर मेरे पास वन ओम का रेजिस्टेंस था और मैं उसको ट्वाइस, एक लेंथ थी वन मीटर, वन ओम का रेजिस्टेंस और मैंने उसको टू मीटर कर दिया खींच के, तो रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, फोर ओम सिंपली. तो स्ट्रेचिंग में रेजिस्टेंस एन स्क्वायर टाइम्स वेरी कर जाता है, इंक्रीज हो जाता है. चलिए आई होप ये सब चीजें समझ में आई होगी. अब जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय, अब बात कई बार ये आ जाती है ना, ये एल क्या लेके चले, ये ए क्या लेके चले, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ बेटा. लेट से ये कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ, या यू कैन से ब्रेथ एंड दिस इज हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है. अब बात करते हैं इस मटेरियल में हम लोगों ने करंट फ्लो करा, तो करंट फ्लो कराने के बहुत सारे प्रोसेस है. करंट ऐसे भी जा सकते हैं, करंट ऐसे भी जा सकता है, तो क्या हर केस में रेजिस्टेंस सेम रहेगा या वेरी कर जाएगा, तो आंसर है वेरी करेगा. वो ये वाला फॉर्मूला जो कि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहने वाली है. अब बात करते हैं कि हम लोग करंट को कैसे फ्लो करा रहे हैं. करंट को अगर मैं ऐसे फ्लो करा रहा हूं तो जो लेंथ होगी ना, लेंथ तो ये वाली लेंथ, लेंथ जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है वो लेंथ. नाउ एरिया, एरिया इस करंट की डायरेक्शन के फ्लो, जो ये परपेंडिकुलर एरिया हो जाएगा यानी बी इंटू एच. तो अगर हम बात करें इसी केस के लिए तो हमारे पास ये लेंथ बन गई, ठीक है, ऐसे लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर रो लेंथ एल और हाइट एरिया सॉरी बी इंटू एच. अब बात करते कि अगर मैं ऐसे फ्लो कराऊं तो, हाँ तो ठीक है ना, ऐसे फ्लो कराएंगे तो हाइट आ जाएगी लेंथ, एरिया इंटू बी, ए इंटू बी आ जाएगा एरिया. तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर दिस इज इक्वल टू रो एच बाय एल इंटू बी, खत्म. तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आई होगी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता. अब जैसे एक क्वेश्चन आता है हमारे पास रिगार्डिंग इसी कॉन्सेप्ट से, वेरिएशन ऑफ आर, कि देयर इज अ ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, और ये दो टी वन टी टू, ठीक है ना, ये बेसिकली क्या दिए गए, हमें एक मेटेलिक वायर के दो ग्राफ दिए गए और डिफरेंट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू. हमसे बोला गया बताओ कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, विच वन, विच टेम्परेचर इज हायर टेम्परेचर. बेटा जब भी कभी भी हमारे पास ग्राफ आते हैं ना तो ग्राफ के बारे में हमें दो ही चीजें याद रखनी है, कि ग्राफ हमें दो ही चीजें प्रोवाइड करेगा, इधर एरिया और स्लोप. अब हमें बात करनी है तो मैं आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं कि आपको यही चीजें याद रखनी जो बता रहा हूं. कॉन्सेप्चुअल वाइज हमारे पूरे चैनल पे पूरा इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फॉर्मेट है तो आप उसको एक बार ही देख सकते हैं. अब याद कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो भी चीज है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट विल गेट, एरिया. आई इंटू वी, व्हाट विल गेट, एरिया. आई बाय वी, व्हाट विल गेट, स्लोप. हमेशा ध्यान क्या रखना है कि वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस,
स्लोप आएगा और स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आता है कि थीटा लेंगे हम लोग, ये लेते हैं टैन थीटा, निकालते हैं एम, निकालेंगे एम को डेल्टा y बाई डेल्टा x करते हैं। अब सिंपली आपको क्या याद रखना है कि दोनों को डिवाइड करूंगा i by v, स्लोप मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल गेट एरिया। तो अगर हम v इंटू y का प्रोडक्ट करें तो एरिया मिला और एरिया हमें क्या मिलती है, पावर। ठीक है ना बेटा, हमें पावर का भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। और i by v को अगर हम डिवाइड करते तो व्हाट विल गेट, 1/r, नहीं 1/r, क्योंकि हमें r तो कब मिलता जब v और i होता ना। अगर हमारे पास v और i का ग्राफ होता तो व्हाट विल गेट r, तो v by i r होता है ना बेटा। अब हमें क्या चाहिए, i by v, तो i by v क्या हो गया हमारे पास, 1/r। तो ये स्लोप मिला आपके पास ना, तो स्लोप जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। देखो ना स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्टली अगर ऊपर भी आई होता नीचे आई होता तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, सिंपल। अब उल्टा हो जाएगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस कम एंड टेम्परेचर, ये अभी अभी निकाला है कि R इक्वल टू ML, मेटेलिक वायर्स है तो कंडक्टर वाला क्वेश्चन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका टेम्परेचर कम। तो देख लो, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, ठीक है ना, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसका टेम्परेचर कम, जिसका स्लोप कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, देयरफॉर उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो दीज आर सम क्वेश्चंस जो आप लोगों को मोल्ड कर दी जाती है, बस कि हमें कोरिलेट करना पड़ता है एक दूसरी चीजों को, क्या हाँ ऐसा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पूरे टॉपिक ऐसे चूज करेंगे, पूरी इलेक्ट्रिसिटी को करेंगे पार्ट्स में, बट कोशिश ये रहेगी कि हमारा कोई भी क्वेश्चन ना स्किप हो जब हम पेपर बोर्ड एग्जाम्स में बैठे बोर्ड एग्जाम को देने जाए, तो वी रियलाइज कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी पूछे तो सही, हम आंसरेबल होंगे। तो नीड नॉट टू वरी, जस्ट स्टडी हार्ड। चलिए, तो आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो जैसे हम लोगों को पता लगा, हम लोगों ने अभी अभी देखा भी कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हर एक के रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है, तो हम लोगों के पास एक रिलेशन बन जाता है कि आर फाइनल, आर नॉट इनिशियल, जो टी इक्वल टू जीरो डिग्री पे टेम्परेचर हम लोगों ने बोला गया है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है ना। और अगर हम लोग इनका रिलेशन देखें, अगर इसको मैं थोड़ा ब्रीफली भी आपको बताऊं, तो आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। नाउ डेल्टा टी इज नथिंग बट योर चेंज डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो चलिए इसको थोड़ा और ब्रीफली पढ़ते हैं हम लोग, आर नॉट इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। चलिए, नाउ अल्फा इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर हम बात करें इफ अल्फा, जो कि हमारे लिए 99.9% अल्फा इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले ही न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो अपन को ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देना है कि इनिशियल टेम्परेचर क्या था, फिर टेम्परेचर का वेरिएशन कितना हुआ, अल्फा क्या गिवन है, कई बार हमें फाइनल टेम्परेचर रेजिस्टेंस पूछ लेगा, कई बार हमें अल्फा पूछ लेगा, कई बार हमें सब चीजें गिवन होगा, अल्फा पूछ लेगा, डेल्टा टी पूछ लेगा, कुछ भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यू नीड नॉट टू वरी, बट हमें जो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है वो देखते हो। अब हम बात करते कंडक्टर्स के केस में ना, तो कंडक्टर के केस में ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आर एफ बढ़ेगा, फाइनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, तो फोर कंडक्टर ये वाली क्वांटिटी आई पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स। चलिए, फोर सेमीकंडक्टर आर डिक्रीज हुआ तो फाइनल वैल्यू कम होगी, तो ये वाली वैल्यू आई नेगेटिव, फोर सेमीकंडक्टर अल्फा बिकम्स नेगेटिव। चलिए, नाउ एक और आता है यहां पे वर्ड जिनको हम बोलते हैं अलॉयज। अलॉयज बेसिकली है क्या, देखो जो हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं ना, सेमीकंडक्टर बेसिकली ये अलॉयज की कंपनी इससे ही बनता है। और ये होता कैसे, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि हमारे पे ये प्रूफ भी है, हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स में इसको बताया भी है, तो आप वहां से कंसल्ट कर सकते हो कि मैंने ना दो मटेरियल ले लिए, रो वन इसकी डेंसिटी, इसकी रेजिस्टिविटी, अल्फा वन इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट, रो टू इसकी रेजिस्टिविटी,
और अल्फा 2 इसका टेम्परेचर, थर्मल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हम लोगों ने इन दोनों को ना मर्ज कर दिया, मिला दिया। तो कह रहा है कि आर मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रो 1 अल्फा 1 रो 2 अल्फा 2 सच दैट जो इनका रेजिस्टेंस होगा ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो। और यहीं से हम लोग अलॉयज को बनाते हैं। अलॉयज बनाने का यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि दो अलग अलग मटेरियल को ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। अब हमें क्या करना, अलॉयज के लिए अल्फा जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, अलॉयज के लिए अल्फा का जो वेरिएशन होता है ना वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब इट इज समहाउ इट इज कांस्टेंट फॉर अलॉयज। और वो हम लोग ने पहले सेमीकंडक्टर बोल दिया था, वो गलती से निकल गया। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉयज बेसिकली हम अलॉयज को कैसे बनाते हैं वो यही होता है कि दो मटेरियल ले लो जिनका अल्फा और रो अलग अलग है। तो होगा क्या, टेम्परेचर को बढ़ाने से हमें तो अल्फा कांस्टेंट रखना है, हमें तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखना है कि रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन ना आए। रेजिस्टेंस में वेरिएशन आए तो व्हाट वी हैव टू डू, तो हमें ऐसा मटेरियल रखना है ना कि एक का टेम्परेचर बढ़ने से अल्फा बढ़ रहा हो या रेजिस्टेंस बढ़ रहा हो, तो दूसरे के टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो रहा हो, है ना। एक का बढ़ेगा एक का कम होगा, तो ऑन एन एवरेज दोनों का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो अल्फा फॉर अलॉयज नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल चेंज। और रिलेशन क्या आता है इन दोनों के बीच में, अल्फा 1 रो 1 प्लस अल्फा 2 रो 2 इज इक्वल टू 0, यानी हमें टेम्परेचर के वेरिएशन पर आर को कांस्टेंट रखना है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा आर तो वेरी कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, किसी में कम हो रहा है किसी में ज्यादा हो रहा है। अब हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें आर कांस्टेंट रहे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो व्हाट विल हैपन, तो कोशिश करो ना एक ऐसा मटेरियल ले लो जिसमें एक में बढ़ रहा हो और एक में घट रहा हो, दोनों को ज्वाइन कर दो, व्हाट विल गेट अलॉयज। तो अलॉयज का अल्फा कैसा होता है, नेग्लिजिबल। नाउ इन्हीं अलॉयज को हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टर मेंटेन बनाने के लिए। पहली बात तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेग्लिजिबल होते हैं कि टेम्परेचर के वेरिएशन से रेजिस्टेंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सेकेंडली इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि इसमें कम लेंथ पर ही हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी तो मैं कम लेंथ पर भी उतना रेजिस्टेंस अचीव कर लेता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जितने भी आप मीटर वायर ब्रिज पोटेंशियोमीटर ये सब देखेंगे तो उसमें आपके कॉन्स्टेंटन मैग्नीन यूरेका अलॉयज ही होते हैं बेसिकली, इनकी वायर होती है। तो प्रैक्टिकल में बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई दीज, वाई अलॉयज, तो आप लोग जाकर समझ में आ गया और यहां से रिलेशन न्यूमेरिकल बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये अल्फा 1 रो 1 प्लस अल्फा 2 रो 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, दोनों का वेरिएशन क्या होना चाहिए, 0। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। चलिए अब हम लोगों ने बात करी थी 11th स्टैंडर्ड में जब हम लोगों ने हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में बात करी थी, यानी पानी फ्लो कर रहा था तो उसके बारे में बात करी थी, तो वहां पर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ी थी। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है, A1V1 must be equal to A2V2. Now what is A1V1? The area of cross section, velocity उस area पे is equal to area of cross section, velocity उस वाले area पे, ये हमेशा constant रहेगा ना। अगर ये constant रहेगा तो हम लोग लिख सकते A is inversely proportional to V, यानी जिसका area ज्यादा होगा उसकी velocity कम होगी, जिसका area कम होगा उसकी velocity ज्यादा होने वाली है। चलिए अब बात करते कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये कहाँ पे लॉजिक आता है। तो कई बार ये हम लोगों को ऐसा डायग्राम बना के दे देते हैं और हमसे अलग 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 फिजिकल क्वांटिटीज पूछ लेते हैं कि बताइए करंट डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, करंट क्या होने वाला है, और इनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या बात करने वाला हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या करने वाला हो, एंड सो ऑन। तो एज वी नो दैट करंट जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है, यहाँ पर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ना देखिए पहली बात, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज बाहर जाने वाला है। तो चार्ज को क्या करना है, अपनी स्पीड को वेरी करना। पहली बात तो वेरिएबल हो सकती है स्पीड, क्योंकि अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एप्लीकेबल करें तो जितना चार्ज एंटर उतना चार्ज बाहर। तो इसमें तो इतना तो समझ में आ गया कि भैया देखो यहाँ पे ज्यादा चार्ज आएगा और इस हिसाब से यहाँ से कम चार्ज निकलना पड़ेगा। तो बट फिर क्या करेगा, चार्ज अपनी स्पीड को वेरी कर लेता है। तो पहली बात तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं
ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टू। बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी कैन राइट दैट वीडी वन इज लेस देन वीडी टू। पहली बात तो ये समझ में आ गई। चलिए अब चार्ज के करंट के बारे में, क्या ये आई वन आई टू रहेगा? नहीं यार, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेम है बिल्कुल, तो करंट विल रिमेन सेम, आई विल रिमेन सेम। बात करते हैं करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई बाय ए, आई सेम है तो करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय ए, ठीक है ना। तो करंट डेंसिटी अगर हम बात करें तो जे की करंट डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब ए वन की डेंसिटी कम हो जाएगी, ए टू की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं लिखूं जे वन और जे टू में क्या रिलेशन है, तो जे वन और जे टू क्या होता है बेटा, देख लीजिए आपके पास एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया बड़ा है, तो जे वन इज लेस देन जे टू। और ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम यहाँ से अराइज हो सकते हैं। तो आई होप ये वाला सेगमेंट आपको पसंद आया होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी होंगे। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे ही हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आएंगे, तो कोशिश करेंगे इसको दो से तीन वीडियोज में, ज्यादा से ज्यादा एक से डेढ़ घंटे में हम इसको कवर अप करने वाले, विद ऑल दी जो भी हम लोगों को लगता है वो टॉपिक जिनमें बच्चों को नॉर्मली डाउट्स आते हैं। टिल देन स्टडी हार्ड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।